जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। एक बार फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार प्रदान करने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, ताकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं आज आपके 10 अद्भुत बातें जो आपकी राशि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्टिकुलर हर व्यक्ति में ये 10 बातें होती है जो कि हर राशि पर लागू होगी। पहली बात करना चाहता हूँ, आपके पास दया दृष्टि था, अब किसी का भी दुख देखकर दुखी हो जाते हैं। आमतौर पर ये चीज़ें जिन जातकों के साथ होती है, उन जातकों का चंद्र है बाहु, जो चंद्र जल की राशि होती है, चंद्र का स्वभाव जल के समान होता है, घटता बढ़ता रहता है वो, तो मन भी उसी प्रकार से होता है। आप लोगों के प्रति पूरे संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं, और अगर किसी का दुख और दर्द आपसे देखा नहीं जाता। दूसरी बात रही मदद करने में, अब मदद करने में किसी की भी मदद करने में बहुत आगे रहते हैं, और बहुत हद तक मदद भी करते हैं, जो आपके बस में हो उतनी मदद बिल्कुल करते हैं। तीसरी बात है आपका, जो कि आपकी अद्भुत बात तो है ही सही, लेकिन एक सबसे बड़ी कमजोरी वो है आपका भावनात्मक पहलू। भावनाओं में बहकर आप कभी कभी जो अपने राज हैं वो खोल देते हैं, और उससे कई बार बड़ी बड़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाती है। चौथी बात करना चाहता हूँ कि आप अपने मित्रों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा आपको पसंद है, और अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर कोई गरीब है या कोई कहीं भी उसको सपोर्ट की ज़रूरत हो, गरीब से अर्थ मतलब नहीं है, वहाँ पर आप सपोर्ट के लिए बिल्कुल आगे आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पांचवी बात करना चाहता हूँ कि आप महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, और महिलाएँ भी महिलाओं का सम्मान करती है, मतलब पर्टिकुलर दोनों के लिए, लेकिन सम्मान केवल वहाँ तक सीमित हो जाता है जब किसी बात को लेकर प्रतिस्पर्धा हो जाती है। तो प्रतिस्पर्धा जब होगी तो थोड़ा एक अलग एंगल हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो बहुत इज्जत करते हैं। छठवीं बात करना चाहता हूँ कि आप कर्म करने में विश्वास रखते हैं, फल की चिंता की आपको कोई आवश्यकता नहीं। कुछ जातक हैं जिनका शनि या सूर्य या मंगल अप एंड डाउन होगा, वो थोड़ा इस कंडीशन को जानते होंगे कि वो फल की बहुत ज़्यादा चिंता करते होंगे और कर्म को इतना महत्व नहीं देते होंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सातवीं बात है आस्थावादी। ऐसे जातक आमतौर पर आस्थावादी हैं, लेकिन ईश्वर के होने को भी चुनौती प्रदान करते हैं, मतलब ईश्वर है या नहीं ये जो सवाल है इनके मन में कभी कोंता नहीं है। कुछ जातक होंगे अपवाद स्वरूप, लेकिन बहुत से जातकों को ये पूर्ण निष्ठा के साथ इस बात का समर्पण होता है कि हाँ ईश्वर है, और वाकई में ईश्वर है, ये एक बहुत अच्छी बात है उनके लिए, तो ये एक सबसे अच्छी बात है इनके लिए। आठवीं बात कहना चाहता हूँ कि ये कभी ज़्यादा की इच्छा नहीं रखते हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए, इसमें ही रहते हैं। लालच मन में कोई नहीं होती, लालसा नहीं होती, एक बहुत अच्छा गुण है। नौवीं जो बात है जो इनके लिए सबसे यूनिक बात होती है, ये किसी भी बात को प्रस्तुत करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है जो इनका एक अभाव होता है। कई बार जातक बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छी बात बतला सकते हैं, लेकिन वो नहीं बतला पाते हैं, तो इस ओर भी आपको ध्यान देना है। तो नौवीं बात जो है सबसे अच्छी है कि बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण इनका होता है। दसवीं बात ये होती है, ये सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण जो बात है वो इनके लिए ये है कि ये जिस भी व्यक्ति का हाथ थाम लेते हैं उसका जीवन पर्यंत हाथ थाम कर उसे निभाते हैं, चाहे वो गलत हो सही, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं, उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, उसको अंत तक समर्थन करते हैं। तो ये कुछ अद्भुत बातें होती है व्यक्तित्व की, तो वो आप में है। कितनी बातें आप में है ये कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस बात को जान पाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और 1 मिलियन सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।